क्वेश्चन ना इंडियन एटम कार्बोक्सिलिक का हमारा चैप्टर चल रहा था। इस चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि इसकी जो केमिकल रिएक्शंस थी है ना, क्या केमिकल प्रॉपर्टीज जो हो सकते हैं वो हमने देखी। अभी की केमिकल रिएक्शन की अगर हम बात करें तो केमिकल रिएक्शन में मैंने अभी आपको बताया, आपने अभी पढ़ा एंडोर कंडेंसेशन, ठीक है। अब एंडोर कंडेंसेशन के बाद में इसमें एक पार्ट आता है इसका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी क्रोज एंडोर कंडेंसेशन। अब क्रोज एंडोर कंडेंसेशन में हमने देखा कि दोनों जो हमने पार्ट लिए थे वो क्या लिए थे हम लोगों ने, ऐसी कैंडिडेट के लिए है ना, मतलब अल्फा हाइड्रोजन में दोनों पार्ट लिए थे। क्रोज एंडोर कंडेंसेशन में क्या होगा कि हम लोग क्या एक तो अल्फा हाइड्रोजन ले सकते हैं और दूसरा जो है वो अपन क्या लेंगे फॉर्मेलडिहाइड इजीली ले सकते हैं। दूसरा एक अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी तो वो हम ले लेते हैं और दूसरा अपन क्या लेते हैं फॉर्मेलडिहाइड लेके देखते हैं कि रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। चलिए जब एच सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच, इसकी रिएक्शन हमने कराई सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच, इसके साथ में इन्वर्जेंस ऑफ डाइल्यूट एल्कली, इसकी प्रेजेंस में अगर हम कराएंगे एन ए ओ एच की प्रेजेंस में हम कराते हैं डाइल्यूट एल्कली लेना है, एनएच ले लेते हैं, ठीक। देखिए आप लोग क्या होगा सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच दैट विल बी सी एच टू दैट सी सिंगल बॉन्ड ओ एच, यहाँ पर एच और यहाँ पर एच, ठीक। अब देखिए क्या होगा वाटर मॉलिक्यूल और रिलीज फ्रॉम हियर, तो पहले भी देखिए इसको वाटर मॉलिक्यूल जो है आपका वो क्या करना है, आपको रिलीज करना है वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा आपके पास, देखो ये वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है यहाँ से, ये एक एच निकाल दें यहाँ से, ये क्या बचेगा यहाँ पे एक बचेगा देखिए आप लोग, तो सी एच टू है ना, यहाँ से निकला सी एच टू, ठीक। ये देखिए आप सी एच, ये देखो आप सी एच टू सी एच है ना, और यहाँ लगा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड पूरा जाएगा क्योंकि दो बचेंगे ये बॉन्ड टूटेगा, तो ये बॉन्ड आ गया सी एच टू सी एच सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ और सिंगल बॉन्ड एच, ठीक। ये बन गया आपका डबल बॉन्ड एल्कीन वाला पार्ट, ठीक है। इसमें हमने देखा क्या ये वाली थी आपकी, इसी को बोलते हैं क्लोज्ड एंडोर। अब इसको क्लोज्ड एंडोर क्यों बनाया था, क्लोज्ड एंडोर बनने का कारण ये था कि एंडोर कंडेंसेशन में हम लोगों ने क्या किया था, दो एसिड फॉर्मेल्डिहाइड लिए थे एंडोर कंडेंसेशन में, हम लोगों ने दो एसिड फॉर्मेल्डिहाइड लिए थे और यहाँ पर हमने क्या एक एसिड फॉर्मेल्डिहाइड लिया है और दूसरा हमने क्या लिया बेटा फॉर्मेल्डिहाइड हम लोगों ने लिया है। अब अपन एक रिएक्शन करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज कैनिज़ारो रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बेटा, कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन में अगर हम देखें द एल्डिहाइड हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन एटम, अब इसके अंदर वो एल्डिहाइड है बेटा जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, ठीक है। तो अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है वो हम लोगों ने देखा, अल्फा हाइड्रोजन जिस कार्बन में नहीं है जिस एल्डिहाइड में नहीं हो वो एल्डिहाइड हमको लेना है, उसकी रिएक्शन हम करानी है एज इट इज, जिससे हमारी पहले वाली रिएक्शन हुई थी। देखना इसमें क्या बनता है, अगर अल्फा हाइड्रोजन हम अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो वो अगर हम कार्बन एटम लेंगे तो इसमें हमको मिलेगा मेथेनॉल और इसके बाद में मिलेगा फॉर्मेट, मिलेगा सोडियम फॉर्मेट। हम लोग देखें एच सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच, ये आपका इसके अंदर ऐसा माना है जिसके अंदर ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्यों, क्योंकि ये जो है इसी कार्बन से जुड़े हुए दोनों हाइड्रोजन, सो दिस आर नॉट अल्फा हाइड्रोजन है ना, ये तो आपके फंक्शनल ग्रुप का हाइड्रोजन है ना, ठीक है। इसकी रिएक्शन अगर अपन करा रहे इसके कितने मॉलिक्यूल लेना हम, इसके अगर दो मॉलिक्यूल अपन ले लेते हैं सी एच ओ के और इसके अगर इसके अंदर रिएक्शन करा दें एन ए ओ एच के साथ इसकी रिएक्शन करा देते हैं, सो देन व्हाट विल गिव, दो मॉलिक्यूल आप इसके ले लें तो हमको देखो सी है ना एच थ्री ओ एच, यहाँ पर ओ एच निकाल के यहाँ आ गया, देखो यहाँ से सी एच थ्री एक ले लिया आपने। अब देखना आप लोग कि यहाँ पर क्या बचा है वो एच सी ओ ओ है ना, देखो सी ओ ओ दो ओ बच गए यहाँ पर एच सी ओ ओ, एक सी यहाँ चला गया, एक सी देखिए आप इधर आ गया और एक सी यहाँ पर ऑक्सीजन देखिए आप दो गई जा रहे और एक ओ एच आपका कंप्लीट और क्या बन गया आपका एक ये बन गया, तो ये बन गया आपका सोडियम फॉर्मेट, क्या बन गया आपका सोडियम फॉर्मेट और मेथनॉल। क्या सर ऐसा और कोई आपके पास एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, बिल्कुल बेटा हमारे पास एक और ऐसा है एल्डिहाइड जिसके अंदर नहीं है, तो ट्राइमिथाइल एसिड एल्डिहाइड या देख सकते हैं टू टू डाइमिथाइल प्रोपेनॉल कैसे,
देखिए आपको यहाँ पर ये कैसे बनेगा, ये है इंपॉर्टेंट है भाई। ये कार्बन लिया सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच, ये आपका बन गया, हमने एलियड बना लिया। अब इसकी अगर अपन बात करें तो ये देखिए इससे बॉन्ड जोड़ दिया हमने सी एच थ्री, इससे बॉन्ड जोड़ दिया हमने सी एच थ्री और इससे बॉन्ड जोड़ दिया हमने सी एच थ्री। इस बार कार्बन ये जो कार्बन है ये कार्बन कौन सा है, इसका अलावा कार्बन है ये कार्बन, ये क्या है अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन। अब इसके पास में क्या कोई हाइड्रोजन है, क्या कोई हाइड्रोजन है इस कार्बन के पास में? नहीं, जस्ट बात इसके सारे कैलोरी में सारे मिलो में कार्बन जुड़े हुए, कैलोरी में सारे कार्बन जुड़े हुए, इसके पास में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब हम इसमें कुछ कर सकते हैं, ये किस टाइप का एलिमेंट है व्हिच हैज नो अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो इसकी रिएक्शन करा दे अपन, क्या बन जाएगा इसमें, यहाँ पर जो ये आपका ग्रुप है OH CHO वाला, यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका OH और इसी के पार्ट में आपको मिल जाएगा हमारा सोडियम वाला आयन। देखिए आप इसके दो मटेरियल अगर अपन ले रहे हैं है ना, ये ले लिया अपन CH3, ये ले लिया अपन CH3 और ये ले लिया अपन यहाँ से CH3, ठीक। तो क्या बन जाएगा देखना बेटा, यहाँ से बनेगा आपका एक एल्कोहल बनेगा सी डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड एच, ठीक। तो क्या बनता है इन्हें हमें सब रिएक्शन कराने का, देखिए ये OH बार जो है ये यहाँ जाकर मिल जाएगा, देखिए आप 1 2 3 CH3 ये वाला एक और पार्ट CH3, ये वाला एक और पार्ट CH3, यहाँ पर OH जुड़ा, ठीक है। अब ये सारा पार्ट जुड़ेगा इसके साथ में कार्बन बनेगा CH2OH, ओके। ये वाला पार्ट जुड़ेगा क्या जाएगा CH2OH, ये वाला पार्ट आ गया। अब आपको क्या करना है इसके साथ में, सोडियम जो है सोडियम आयन भी आपका रिएक्शन करेगा इससे और फॉर्मेट आयन मिल जाएगा। देखिए आप ये कार्बन क्योंकि दो मॉलिक्यूल लिए हैं हमने, दो मॉलिक्यूल लिए हैं तो हमारा काम हो जाएगा इससे CH3COONA, ठीक। ये जो है आपके इस तरीके का मॉलिक्यूल, ये आपको दे देगा बेटा, ठीक। तो हमारी ये हमने दो से तीन रिएक्शन इस वाले पार्ट में हमने कंप्लीट करी, दैट इज कैनिजार रिएक्शन और क्रॉस एंडोल रिएक्शन। अब मेरे अगले वाले पार्ट में हम लोग दो तीन नियम रिएक्शन और हैं इस चैप्टर में, वो अपन कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।